हाँ जी सुख प्रीत सिंह जी दसो की है क्यों खुदकुशी की उन्होंने टेंशन जी रहा करजे करके जी घर भी कोई है नहीं सी गई इस करके उन्होंने खुदकुशी कर ली फाहा ले लिया उन्होंने डेक नाल जी टेंशन बड़ी आखते थे करजे की वह जोड़ा मकान से भैन के ब्याह किए हुए थे दोवें के वो उन्हों का लेना देना लाया सी गई पैसा टका जगह बेच के जी आपका ब्याह होया से उन्होंने नहीं जी कि करवाए थे 2.5-3 लाख रुपया सी गई की मांग कर दो सरकार तो सरकार तो यही मांग करते हैं भी कर्जा माफ़ किया जाए कोई सानू भी सहूलत दी जाए जी हूँ परिवार के पिछे कौन कौन रह गया जी मैं तो मेरी माता जी पिता जी पिता जी की डेथ हुई भी है जी 4-5 साल हो गए डेथ हुई जी वो भी डेथ हुई बीमारी से कोई नहीं वो अटैक हो गया सी गई उन्होंने ये जो खुदकुशी की है जो खेतों बनी होंगी रकैन उत्थे जाके की इन्होंने हाँ जी तो तुम्हें किदा पता लग्या माता का इतने है नहीं सी गई बाहर गए हुए थी कम से जी बाद पिंड वाले ने दसा जी मैं जी राम सिंह भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर पिंड दौन जेड़ा कि साढ़े अज मजदूर ने रात खुदकशी की है खेत मजदूर ने खुदकशी की है उहदा कारण यह है भी वो सिर करजा सी 2.5-3 लख रुपया उहदे डैडी की डैथ हो चुकी है 2-5-4 साल पहला उहदा कारण यह है भी जदों डैडी की डैथ हो गई उदू बाद दो भैणा की शादी की उन्होंने जो दो भैन की शादी की करजा चढ़ गया जोड़ा उन्होंने को मकान से वह भी उन्होंने बेचारे ने बेचता दोवें बच्चे रह गए वो इन्ना टेंशन च रहन लग गया परेशानी च रहन लग गया कि परेशानी के चलद रात उन्हें खुदकशी कर ली किस तरह खुदकशी उन्हें अपने नाल ही बाहन जाके फाहा ले लिया बरकैन नाल फाहा लेके खुदकशी करी की मांग की करते हो जथेबंदी तरफों असी जथेबंदी तरफों सरकार तो मंग करते हैं कि वो परिवार के एक जी को सरकारी नौकरी दी जाए तो जेड़ा वो सिर करजा चढ़िया वो माफ़ किया जाए तो वो परिवार को वित्तीय सहायता 10 लख रुपया मुआवजा दिता जाए तो एक परिवार के एक जी को नौकरी दी जाए खुदकुशी की है की मामला की कहना बारे मैं ए एस सी रणधीर सिंह थाना सदर बठिंडा कल सानू एक टैलीफोन महसूल होया सीगा भी पिंड दौन खुरद विखे किसी नामलों व्यक्ति ने दरख्त नाल फाहा ले लिया असी जाके देखिया इहदे माता पिता कल सानू घरे नहीं मिले सी बाहर गए सीगे तो इहदे चाचा नाल इहदी डेड बॉडी कल दाखिल सिविल अस्पताल बठिंडा विखे दाखिल कराई गई अज इसकी माता हाजिर होने से सुखपाल जसपाल कौर ने अपना बयान तहरीर कराया तो 174 की कार्रवाई अमल च लिया गई तो घर के कह रहे भी इन्हें कोई करजा कुर्जा सिर पर परेशान रहता है इसकी माता ने दसा जी भी इसका पिता 5-6 महीने पहला इसके पिता की मौत हो गई सी उस तो बाद दो भरा ने मेहनत मजदूरी करते हैं इन्होंने दोनों भैनों का ब्याह किया छोटिया का उस तो बाद सर काफ़ी करजा सी करके परेशान रहता सी जी डेड बॉडी देती थी परिवार वाले हाँ जी कार्रवाई करा के डेड बॉडी इन्होंने हवाले करती